जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 और जनाब जो बड़ा मुकाबला मुसलसल उसकी बात हो रही थी, एक फाइटिंग मैच, एक बिल्कुल टफ मुकाबला होना चाहिए, ऐसा नहीं अभी तक तो देखें, क्योंकि मुकाबला आधा हुआ है तो उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता, मगर टीम पाकिस्तान हैज डिसअपॉइंटेड देयर फैंस विद द बैटिंग राइट नाउ। लेट्स सी के हाउ द बोलिंग वुड रिस्पॉन्ड, बट 192 इज द टारगेट दैट टीम पाकिस्तान हैज गिवन टू इंडिया। और सबसे बड़ा जो एक सबसे बड़ा इशू और सबसे बड़े जो अफसोस की बात है कि 50 ओवर्स पूरी नहीं खेल सकी टीम पाकिस्तान। वॉज दिस प्रेशर और वॉज दिस देयर टेक्निक, क्या इशू था, ये हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ जब एनालिसिस करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से बैटिंग की है उसके हवाले से जो डिटेल एनालिसिस है वो अपने एक्सपर्ट से लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की टीम जिसने 155 रन पर सिर्फ दो विकेट उसके वापस गई थी, दो खिलाड़ी पवेलियन लौटे थे, दो विकेट्स गिरी थी, लेकिन 155 पर दो के बाद 191 फॉर ऑल, ये अगर हम बैटिंग की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंतहाई मायूस कुन रही है। लेकिन आपने घबराना नहीं है क्योंकि कमबैक की जो है वो ऑप्शन हमेशा क्रिकेट में होती है और ये गेम है, क्रिकेट है, प्रेशर गेम है, तो प्रेशर इंडिया के ऊपर भी होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमारे बॉलर्स को ऐसा क्या करना होगा कि हमने जो ये टारगेट दिया है 192 रन का, क्योंकि इसके अंदर भी अब 92 आ चुका है, तो 92 इज अ लकी नंबर फॉर पाकिस्तान। तो हम उम्मीद ये करते हैं, दुआ ये करते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर इस मैच को यहीं से जीते हैं। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेजेंडरी बल्लेबाज, बॉलर, मार्केटिंग एक्सपर्ट मुश्ताक अहमद। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि शायद अब आ गया तो अब मैं आपको, अब आपने मैं दूसरी दफा ऐसा इंट्रोडक्शन करवाया था, अब आई बी आफ्टर यू डोंट, तो अच्छा है, अच्छा इंट्रो करवा, थैंक यू, थैंक यू, जस्ट किडिंग। हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा जी, पसंदीदा मायनास बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ, यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए एक मरतबा फिर से। वालेकुम अस्सलाम। और सफर में मौजूद है, सफर हमारी जो टीम के फैंस हैं उन्होंने पहली इनिंग में तो किया लेकिन अभी ट्रैवल कर रहे हैं, बूमबूम लाला हमारे साथ मौजूद हैं। लाला अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। लाला ऐसा लग रहा है कोई धूम मचा ले, धूम की फिल्म की शूट चल रही है और आप जो है ना यहाँ सामने मौजूद है। धूम तो मचा दी जिन्होंने मचानी थी। बिल्कुल जी, जो धूम मचा दी है, चले उस धूम मचाने से ही ये गुफ्तगू का आगाज करते हैं। लास्ट 6 विकेट्स could only contribute 36 runs, Lala, क्या हो गया, क्या pressure creeped in the team, या फिर pressure के अलावा technique ज़्यादा अच्छी थी जो Indian bowlers थे और पाकिस्तानी batters पकड़ नहीं पाए Indian bowlers को? सवेरा खैर, क्योंकि हम कंटिन्यू बातें करते आ रहे हैं पिचों के हवाले से और पिचेस बहुत अच्छी रही हैं, सारी टीमें 300 प्लस की सोच रही है। माइंडसेट पता नहीं चला बिल्कुल भी, टेक्निक की भी यहाँ पे कुछ बैट्समैनों के मसले नजर आए, जिस तरीके से बाबर भी आउट हुआ है या रिजवान एज यूजुअल। देखिए अब बात यह है कि आप इस तरह की पिचेस पे अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, ये नहीं कि कोई परफॉर्मर्स नहीं है, सारे स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप ICC रैंकिंग में, उसके बावजूद बिल्कुल जी। मेरा साथ मेरा ख्याल से थोड़ा सा लाला, बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग राइट नाउ, थोड़ा सा ब्रेक हो रही आवाज, और यही ब्रेकेज जो है वो इस वक्त जो है टीम पाकिस्तान की बैटिंग में भी ऐसी हुई, इतना अच्छा स्टार्ट किया एंड देन वो ब्रेक लग गई और ब्रेकेज आ गई। जरा फॉल ऑफ विकेट्स पे नजर डालते हैं एंड देन कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं कि फॉल ऑफ विकेट्स क्या, किस तरह क्या गलतियां हुई हमारे बैटर्स से या बॉलिंग बहुत जबरदस्त हो गई। जी मुश्ताक साहब, मुशी भाई, आपसे अगर मैं बात करूं, मतलब क्या अभी इमाम की हम बात करते हैं, अभी अगली विकेट जिस तरह बाबर की विकेट 50 खेल चुके थे, एक बैटर जब 50 बना चुका होता है, 57 बॉल्स फेस कर चुका होता है, आप कहते हैं जी अब तो बॉल आराम कन्वीनियंटली दिखना शुरू हो जाती है, क्या गलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक जो बाबर है, बाबर की अगर देखा जाए विकेट, ये तो हम देखें साउथ शकील की देख रहे हैं, क्योंकि आपने जब आपको स्पिन का नहीं रीड कर रहे ना किसी भी स्पिनर का, तो आपको कोशिश करनी चाहिए बैक फुट पे ना खेले, उसको कोशिश करें फ्रंट फुट पे अपने बल्ले के साथ पैड के सामने रखें और एक स्पिन के लिए खेलें। मुझे ये लगा है कि ये थोड़ा सा ये बाबर का देखिए, आई थिंक इट वाज अ पोअर शॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। क्लास जो बाबर की क्लास है, जितना बड़ा प्लेयर है, आई थिंक
थिंक सीधा देखता है, आई थिंक ऑलरेडी मेंटली उसने कहा था थर्ड मैन पे सिंगल लेके उधर जाता हूँ। आई थिंक बाबर ने शिफ्ट गियर जरूर करने थे, मगर इस पिच के ऊपर यूसुफ भी ब्रेक में बात कर रहा था, जितना वी में खेलो, जितना एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ मिड ऑन इधर मारने की कोशिश करोगे, ये वाली शॉट खुद ब खुद लगती है, इसको बनाया नहीं जाता। स्लो पिचों के ऊपर जब आप ऐसी शॉट बनाने जाते हैं ना, तो आप ना चौके वाला बॉल भी मिस कर देते हो और सिंगल का भी चांसेस कम होते हैं, क्योंकि स्लो पिच है, विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं। तो देखे ना आप, बल्ला तकरीबन ऑलमोस्ट बाबर ने बंद कर दिया था सिंगल के लिए और बॉल विकेटों के दरमियान था। ये जो आपने सिंगल करनी होती है, ये ऑफ स्टंप या पांचवीं छठी स्टंप के ऊपर बाहर हो तो फिर आप चांस लेते हैं, विकेट वाले बॉल के ऊपर कभी चांस नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनसाइड एज भी लगने के चांसेस होते हैं। सो आई थिंक ये बाबर से थोड़ी मिस हुई है, मिस सिचुएशन हुई है। आई थिंक इस वक्त बाबर ना आउट होता ना तो पाकिस्तान ने बहुत आगे, अभी भी पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था यूसुफ भाई, और अभी हमने 50 ओवर भी मुकम्मल नहीं खेले। बीइंग अ कैप्टन और मोस्ट सीनियर प्लेयर भी हम ये कहेंगे, बैटिंग लाइन की आप रीढ़ की हड्डी की हैसियत है आपकी हमारी टीम में, और पूरी दुनिया की नज़रें आप पर हैं। जब आपने 60 के करीब 10 ओवर खेल लिए हैं, और अपनी गेंदों की बात कर रहा हूँ सिर्फ, और उसके बाद अब यहाँ पर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, और ये केयरलेस शॉट थी हम ये कह सकते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं, ऐसी शॉट है वो खेलता है, लेकिन वो सरफेस डिफरेंट होते हैं। जैसे मुशी भाई ने अभी कहा ना कि, और मैं भी मुशी भाई से बात कर रहा था कि जब सरफेस ऐसा आएगा उसमें आपने वो जैसे पंजाबी का ना विच विच के कवर ड्राइव खेली होती है, उसके ऊपर जाना होता है, पाँव फीट यूज करने होते हैं। अगर आप देखेंगे गौर से तो पाँव बिल्कुल नहीं हिले उधर से उसने यूँ की, अगर आप दोबारा अगर देखेंगे थोड़ा सा एक्शन रिप्ले भी दिखाएंगे स्लो, तो उसमें देखें पाँव नहीं मूव किए, वहीं खड़े रहे। तो ये विकेटें पीछे खेलने वाली है ही नहीं, ये विकेटें सामने खेलने, बहुत बैटिंग विकेट है, इसको आप सामने खेलेंगे फुल फेस क्लोज द बॉडी। जैसे मैं केएल राहुल की बात कर रहा था, वो अंडर द चिन खेलता है, वेट करता है बॉल को आने देता है और इधर खेलता है। हम जब अंडर द चिन खेलते रहे, बात अभी काट रहा हूँ माजद के साथ, तब तक हमारे लड़के खड़े रहे हैं, 8 ओवर तक ओपनिंग पार्टनरशिप हमारी चली गई है, और जब हम भी कॉन्सेंट्रेशन लूज की है, क्योंकि हमने वही गेंद जब अंडर द चिन खेली है तो हमने खेल लिया, और जब वही बॉल आई है तो हमने उसी बॉल पर विकेट दिया, तो इसको हम केयरलेसनेस कहते हैं, अपनी जो कंसंट्रेशन है वो लूज करना कहते हैं। देखिए ये तो अब वही बेहतर बता सके, लेकिन बड़ा अच्छा 8 ओवर नहीं, आपको देख के क्या लगा, वो तो बेहतर बताएंगे। अपना अब्दुल्ला का था आउट, वो थोड़ा मुझे लग रहा है ज्यादा इधर चला गया, क्योंकि वही बात इधर इस तरह भी जाना और इधर भी जाना, वो दोनों क्या है कि क्रॉस हो गए आप, ये जो लो बाउंस विकेट है, फ्लैट ट्रैक है, इसमें इधर आराम से रन बनते हैं, फिर मैं कहूंगा कहना आसान है, आराम से रन बनते हैं, प्रेशर भी होता है, लेकिन चूंकि हम प्रोफेशनल हैं जी, हम भी आउट हुए हैं, हमने स्कोर भी किए, इन्होंने भी स्कोर किए हुए, इसीलिए वर्ल्ड नंबर वन है, इमाम टॉप 10 में है, स्कोर किए हुए तो हैं। अभी अब्दुल्ला ने पिछले मैच में मैच विनिंग खेली है, रिजवान ने खेली है, लेकिन कुछ सर्विस ऐसे आते हैं कि उस पर अपने आप को जितनी जल्दी हो सके उसको अडॉप्ट करें, उसको अडॉप्ट करने वाली बात थी कि ये सामने खेलने तो मतलब जो मैं लाला की तरफ जाऊंगी, जो हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं, पॉइंट यही है ना कि कंडीशंस को जब तक अडॉप्ट नहीं करेंगे प्लेयर्स को समझ नहीं आएगी। मतलब सारे बैटर्स जो है वो मुझे लगता है उन्होंने एक गलत मैसेज शायद अडॉप्ट कर लिया या समझ लिया। ये ऐसी विकेट भी थी, इससे ऊपर में भी खेल सकते थे, फील्डर के ऊपर से भी खेल सकते थे, क्योंकि ये स्लो है, अच्छा विकेट था, ऊपर से भी खेल सकते थे, स्पिनर्स पे, मीडियम पेसर पे, ऊपर से भी मार सकते थे। अभी तो नीचे ग्राउंड शॉट नहीं लग रहे थे तो ऊपर से मारने की बात छक्का नहीं, हम सर्वाइवल मोड पे रहे तो छक्का तो फिर बात की बात ही बिल्कुल हो जाती है। बट लाला जहां हम सरफेस की बात कर रहे हैं, वहां क्या अंडरस्टैंड नहीं कर पाए इस मैसेज को? मतलब ऐसा लगा कि आए और आके, मतलब मैं अगर नवाज की बात करूं, आप अभी आए हैं, द चिप्स आर डाउन, 7 विकेट ऑलमोस्ट गिर चुकी हैं, आप आते हैं और आके आप ऐसे शॉट मारने की कोशिश करते हैं, रुक के थम के, बहुत ओवर्स हैं, मगर पता नहीं सबको शायद अग्रेसिव क्रिकेट खेलना समझ डिफरेंट तरीके से आई, कि अग्रेसिव का मतलब ये नहीं होता कि आते ही बस मारधाड़ शुरू करो। सवेरा बात ये है कि क्योंकि पिचेस बहुत अच्छी हैं, आप सबसे पहले जब आप जाते ग्राउंड के अंदर आपके माइंड सेट का पता, अभी इंडियन ने बैटिंग शुरू नहीं की भारत में, लेकिन आप देखिएगा पहले ओवर से इनका माइंड सेट चेक कीजिएगा, ये ज्यादा नहीं रुकेंगे, ये पॉजिटिव क्रिकेट ही खेलेंगे, देख लीजिएगा, बिल्कुल ये अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। दूसरी चीज ये है कि आप थोड़ी सी एक वो मैनेजमेंट की तरफ से एक कम्युनिकेशन या एक मैसेज लाजमी प्लेयर्स को जाना चाहिए कि यार अभी आपके पास 10-15 ओवर बाकी है, अभी आप खेलते रहो। जिस तरह नवाज की बात की आपने, या जिस तरीके से अभी एक और हसन अली था कि पहला ही बॉल और 10 ओवर बाकी और आप पीछे एक ही विकेट है, तो यार खेलते रहो ना।
सिंगल सिंगल जोड़ते रहो, वही वाली बात हमारे पीछे वाले बैट्समैनों की है कि पार्टनरशिप क्यों बिल्ड नहीं कर रहे हैं। 152 पे दो आउट है, गेम को लंबा लेके जाओ, आप लंबा लेके जाते हो, विकेट इन द हैंड होती है एंड देन वो आखिरी 10 ओवर में आप कर जाते हो, 320-300 क्रॉस कर चुके होते हो, तो वो पार्टनरशिप मतलब हम स्ट्राइक रेट पे ऊपर से नीचे बैट्समैनों की स्ट्राइक रेट भी चेक करें कि टाइम भी ले रहे हैं और पार्टनरशिप भी बिल्ड नहीं कर रहे, तो बेहतर ये है कि फिर आप मारदार करके खेल लो। तो एक प्लान नजर आना चाहिए कि कोई लला प्लान हमने देखा प्लान लला हमने देखा कि इंडिया के पास प्लान ए के बाद प्लान बी था, जब हमारे ओपनर्स के पार्टनरशिप लगी, फिर बाबर रिजवान की लगी, जो बॉलिंग के अंदर चेंज था वो मुसलसल हम देखते रहे कि जो चेंज करते रहिए बॉलिंग, रोहित शर्मा ने बॉलिंग को चेंज किया, फील्डिंग को चेंज किया, फिर बार बार जो उनके सीनियर खिलाड़ी हैं बॉलर्स के पास जा रहे थे, आपस में बहुत ज़्यादा मशवरा कर रहे थे, तो हमारे पास एक ही प्लान था। जिस तरह इफ्तिखार अहमद की विकेट की मैं बात करूंगा, इफ्तिखार अहमद आए हैं, एक चौका मारा और उसके बाद लेग स्टंप से बहुत बाहर गेंद जा रही है, वहां पर उसको अटैम्प्ट करने गए, ग्लव को गेंद लाके विकेट में चली गई। हाँ तो देखिए ये वो सारी चीजें हैं, ये इसमें टेक्निकल चीजें भी आ जाती हैं, दूसरा ये है कि आप थोड़ा सा क्योंकि नो डाउट इफ्तिखार पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, वो अच्छा बैट्समैन है, अब वो स्विप शॉट लग गई, अगर उसको वो पूरी स्विप मारने के बजाय हल्का सा बैट यूसुफ आपको और बेहतर बता देगा।